गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के काफ़ी टॉपिक्स जो हैं उनका अध्ययन कर लिया था। आज इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संविधान सभा का स्वरूप। देखिए, इसको बुक में से आप लोग देखेंगे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद भी वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना जो थी वो तैयार हो गई थी, और भारत जो है उसको दो टुकड़ों के अंतर्गत बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद, क्योंकि विभाजन जब नहीं हुआ था उससे पहले ही प्रतिनिधियों की संख्या तय हुई थी जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन जब विभाजन हो गया उसके बाद में वो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो कि किस क्षेत्र में आ रहे थे, पाकिस्तान के क्षेत्र में आ रहे थे, वो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। क्यों, समझ गए ना? क्योंकि भारत और पाकिस्तान अब क्या हो गया था, दो अलग अलग भागों के अंदर विभाजित हो गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या अब घट करके कितनी रह गई, 299 रह गई। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, 299 सदस्य जो थे वो रह गए अब संविधान सभा के वास्तविक सदस्य। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था, और इस समय जो हस्ताक्षर हुए थे वो कितने मेंबर्स के हुए थे, 284 सदस्य जो थे उनके हस्ताक्षर हुए। इन्होंने ही अंतिम रूप से संविधान पर क्या किया, अपना हस्ताक्षर किया। तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हस्ताक्षर जो थे वो कितने मेंबर्स ने किए थे, 284 मेंबर्स ने। ठीक है, इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का कार्य हुआ। देखो, संविधान निर्माण के समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भारत एक तरफ आज़ाद होगा और दूसरी तरफ उसको ये जो विभीषिका है, विभाजन की विभीषिका, ये झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिंदू और मुसलमान लोग और सिख जो थे वो काफ़ी संख्या के अंतर्गत मारे गए थे। ये बहुत ही बड़ी विभीषिका जो थी वो भारत के लिए थी, और इसी परिस्थिति में ही भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया। लेकिन संविधान निर्माताओं का जो धैर्य था उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक ऐसा, मतलब एक हमारा एक अच्छा संविधान जो है उसका निर्माण किया, बल्कि विभाजन के कारण से हमने एक सबक भी लिया। ठीक है, विभाजन के कारण जो अकल्पनीय हिंसा हुई उससे हमने सबक भी लिया। हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार की कभी भी कोई हिंसा हो सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है, इसीलिए देखो ये जो हिंसा हुई थी इसी के कारण से भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको सुरक्षा प्रदान करी। धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये जो ये लिखा है, धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम लोग रह रहे हैं तो उन लोगों पर भी ये नहीं है कि उनको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको भी पूरे अधिकार जो हैं वो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य को भारत में अपनाया गया। ठीक है, लेकिन अब मेन चीज़ ये है कि ये कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए, ठीक है, मतलब जैसे अपने यहाँ 18 ईयर्स के नागरिक जो हैं, पहले ही आयु 21 वर्ष की होती थी तो उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था, तो ये जो चुनाव हुआ था ये व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रतिनिधित्व मैंने आप लोगों को बताया था, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा प्रतिनिधित्व जो था वो प्रदान किया गया था। ठीक है, और इस समय कांग्रेस का वर्चस्व था
और जो जीत हुई थी इन चुनावों के अंदर वो भी कांग्रेस पार्टी की हुई थी। 82% सीट्स जो थी वो कांग्रेस के द्वारा ही प्राप्त की गई थी। और ये कांग्रेस जो थी उसके अंदर हर विचारधारा के लोग जो थे वो समाहित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है इसमें ये कंप्लीट होता है। और इसमें यही बताया गया है कि चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर ना हो करके, मतलब व्यस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन सभी विचारधाराओं के लोगों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, थैंक यू।